वेलकम टू माय न्यू चैनल नीनीस किचन। सो एक्चुअली मेरा रियल नाम सारा है, बट मेरा स्वीट लिटिल क्यूट सा पेट नेम नीनी है। सो नीनीस किचन ये मेरा नया चैनल है और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कुकिंग। सो हर रेसिपीज मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपनी रेसिपीज आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, और मेरी रेसिपीज झटपट होती है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मावा पैनकेक। सो लेट्स गो टू द इंग्रेडिएंट्स। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लिया है 4 white bread और ये मैंने लिया है मावा, जिसे हम खोया भी बोलते हैं, और ये मैंने लिया है 1 cup milk और यहाँ पे मैंने लिया है 2 अंडे और यहाँ पे मैंने लिया है 3 tablespoon sugar। शुगर आपको जितनी लेनी है आपके हिसाब से, आप जितना मीठा खाते हो जितना मीठा नहीं खाते हो आप उतनी शक्कर ले सकते हो। मैंने 3 tablespoon लिया है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये मैंने लिया है वेनिला एसेंस, ओके। और यहाँ पे हम लेंगे ओनली 1 spoon oil, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अब हम जाते हैं कुकिंग की तरफ। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। ये हम ऑन नहीं किया अभी तक, ऑन करेंगे। अब ये एकदम फास्ट फ्लेम पे, हम फास्ट पे नहीं करेंगे वरना हमारा दूध जल जाएगा, हम थोड़ा स्लो मीडियम पे कर देंगे। अब हम ये एक स्पून लेंगे, इससे जो हमने 1 cup दूध लिया था उससे खाली 4 spoon ही लेंगे हम। अब अभी देख सकते हैं गैस थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसे दूध को थोड़ा हिलाएंगे और इसमें 4 spoon दूध डाल देंगे। हमने 1 cup डाला, 2 चम्मच डाला, 3 और ये 4। सो मेरे हिसाब से 4 चम्मच तो थोड़ा कम लग रहा है, तो हम 1 चम्मच और डाल देंगे, तो टोटल हमारे 5 चम्मच हो गए। अब हम दूध को वापस उसकी जगह पे रख देंगे और ये जो हमारा मावा है जिसे हम खोया भी कहते हैं, अब हम उसको उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे कि हमारा मावा अच्छे से मेल्ट हो जाए। सो गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे वरना हमारा दूध जल जाएगा और मावा भी जल जाएगा। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से चूरा कर देंगे, ये चूरा ही है। अब हम इसमें डाल देंगे जल्दी से, हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे वरना जल ना जाए। देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहा है। हम इसे हिलाते रहेंगे अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम ये भी डाल देंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा मावा डाल दिया जिसे हम खोया भी कहते हैं। अब मैं इसे अच्छे से हिला दूंगी। मैं अच्छे से इसे मेल्ट होने दूंगी। अब हम मिलते हैं इसके मेल्ट होने के बाद। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा मावा पूरा मेल्ट हो चुका है। देखो ये ऐसा है, पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। सो जब तक हमारा मावा ठंडा होता है हम यहाँ पे अंडा, दूध और शक्कर का मिक्सचर बना लेते हैं। सो अब हम पहले अंडे को डाल देंगे, ये ठंडा हो गया और
हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है, अब हम जाते हैं ब्रेड की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे हमने एक ब्रेड लिया, हमारा मावा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेंगे और हम ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, ऐसे ही हम लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मावा बहुत यम्मी भी होता है, ये तो सबको ही पता है। ये देखो मैंने अच्छे से मावा स्प्रेड कर दिया है, और थोड़ा कर देंगे। और ये मैंने अच्छे से मावा को स्प्रेड कर दिया, देखो। अब हम एक और जो हम ब्रेड लेंगे और इसके मावा के ऊपर अच्छे से हम डाल देंगे। और अब हम इस तरफ आ जाते हैं, जो हमने मिक्सचर बनाया था अंडा दूध और शक्कर का, उसमें हम हल्का सा ही डुबोएंगे। ये एक तरफ हो गया और ये दो तरफ हो गया। अब हम इसे साइड में वापस रख देंगे और अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा गैस पहले से ही स्लो पे अच्छे से गर्म हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले से स्लो पे गर्म हो रहा था। हम एक चम्मच तेल लेंगे, इतना कि हमारा पैनकेक जो है वो अच्छे से पक गया और ज़्यादा स्टिक ना हो। हम ये डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ फैला दिया अच्छे से। अब हम तेल को थोड़ा ही गर्म होने देंगे, जैसे कि हमारा तवा पहले से ही गर्म हो रहा था, तो तवा तो गर्म हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट तक खाली गर्म होने देंगे। सो गाइस, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा था मैंने ऐसा एक और ही बना लिया, सेम है। तो अब मुझे मालूम पड़ रहा है, हाथ पे हीट पड़ रही है कि तेल गर्म हो चुका है, और मैं हमेशा एकदम सेफ्टी से ही हर चीज़ कुक करती हूँ। तो अब हम ब्रेड को आराम से पकड़ेंगे, क्योंकि ये टूट भी सकता है। आराम से पकड़ेंगे और एकदम आराम से हम रख देंगे, जैसे कि कुछ उड़ा भी नहीं, क्योंकि हमने एकदम आराम से रखा था। अब हम इसे हल्का से पकने देंगे, वरना अगर हम गीले में उठा लेंगे तो ये 100% टूट जाएगा, ये नीचे से एकदम कड़क हो जाए, फिर हम इसे पलटेंगे। अब हम 2 मिनट यहीं रुकते हैं, ये अभी गर्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से गर्म हो गया, देखो ये आपको कैरमलिश कलर दिख रहा होगा। अब हम इसे एकदम सेफ्टी के साथ पलट लेंगे। मैंने 2 ले लिया है चम्मच, मैं पहले देखूंगी, आराम से एकदम आराम से पलटूंगी मैं। आप जैसे कि देख सकते हैं एकदम कैरमल कलर आया है, और ये बहुत यम्मी स्मेल कर रहा है, आप लोगों को पता नहीं है बहुत यम्मी स्मेल कर रहा है ये। अभी मैंने इसे पलट दिया है और ये अभी 2 सेकंड में ही गर्म हो जाएगा, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ प्लेटिंग के बाद। बन चुका है और दूसरा यहाँ पे बन रहा है, जो मैंने फ्राई करने रख दिया है और ये ऑलमोस्ट पक चुका है। तो मैंने अच्छे से प्लेट पे टिश्यू रख दिया है कि जितना ऑयल होगा वो कंज्यूम कर लेगा टिश्यू। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये रेडी हो चुका है। कितना टाइम हुआ पका के? इसे पका के 5-6 मिनट हुए होंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए मैंने अपनी रेसिपी की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं झटपट रेसिपीज बताती हूँ। अभी मैंने एकदम केयरफुली इसे पकड़ा है कि कहीं से भी टूटे ना, और इसे मैं एकदम केयरफुली ये टिश्यू पे रख दूंगी, तो इसका जितना भी एक्सेस ऑयल होगा ये टिश्यू कंज्यूम कर लेगा। तो अब अच्छे से ये हो जाए तो मैं टिश्यू को निकाल दूंगी और आपको प्लेटिंग के टाइम मिलती हूँ। सो गाइस, हमारा यम्मी पैनकेक बन चुका है, मावा पैनकेक। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। मैंने इसको एक के ऊपर एक रख दिया है, अभी मैं आपके सामने इसको कट करूँगी। मैं एकदम केयरफुली कट कर रही हूँ।
कुछ ऐसे कि आप देख सकते हैं एकदम बाहर जैसा बना है, बाहर से भी अच्छा बना है, पूरी मावे की लेयर आ गई है, एकदम यमी लग रहा है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसकी स्मेल इतनी यमी आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम यम्मी क्रंची, मावे का भी बहुत अच्छा स्वाद, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस पे कितनी अच्छी मावा की लाइन आई है, ये एकदम बाहर जैसा बना है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और मैंने अभी आपको टेस्ट करके भी बताया था। तो मैं अभी इसकी एकदम अच्छी प्लेटिंग करूँगी और मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। तो आप सब प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और आप बेल आइकन को एकदम ऑल पे कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे ये वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं पक्का कोई चिकन की डालूंगी, और मेरे वीडियोज़ तो झटपट और बहुत यम्मी होते हैं। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।